कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसारदिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे वैवस्व मनु के वंश का विवरण, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा सौभरे चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता सूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋग साम यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवश्वान और विवश्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसत्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत कल्प संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुधुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप कोप प्रयुक्त श्राप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम में निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परमर्षि गण ने सुधुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतु में रेक जु सामा थर्ड में सर्वदेव में मनु में ज्ञान में अनन्य में और परमार्थ है अकेंचन में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुगुण में हो गई। उस सुगुण के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुगुण को राज अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरवा को दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रसंद्र नाम पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण सूत्र हो गया। मनु का पुत्र कुरुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और महापराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दृष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान
वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र से चाक्षस तथा चाक्षस से अति बल पराक्रम संपन्न विंस हुआ। विंस से विविंसक से खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और सूर्यवीर करंदम नामक पुत्र हुआ। करंदम से अवीक्षित हुआ और अवीक्षित से मारुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आज कल भी ये दो श्लोक गाए जाते हैं। मारुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याचिक वस्तुएं स्वर्णमय और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नृष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नृष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुब्रति से केवल और केवल से सुग्रति का जन्म हुआ। सुग्रति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अवलंबुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशास्व हुआ। कृशास्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जनमेजय हुआ और जनमेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवान और अति धर्म परायण हुए। मनु पुत्र सरयाति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। सरयाति के अनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्त के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर अनर्त देश का राजभोग किया। रेवत का भी रेवत का कुकृजी नामक एक अति धर्माता पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गई। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक दो गंधर्व अति तान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्ति बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभी मत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमलयोनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत हैं उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र, पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र,
मंत्री वर्ग भृत्यगण बंधुगण सेना और कोष आदि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब स्वर्गलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा जिस अजन्मा सर्व में विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त आदि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यक्त आत्मा पाप के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्रमा रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहित होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं भी बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप अल्प तेजो में अल्प वीर तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुलवती महाराज रेवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी को और ही प्रकार की देखी तथा इस स्फटिक पर्वत के समान जिसका वक्ष स्थल है, उन्हें भगवान हला युद्ध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपनी हल्के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर ली। तब रेवती की भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रेवत कुकुक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली की का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के वैसे 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले। दृष्टि के वंश में धाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रसदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रतितर हुआ। रतितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रतितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतएव क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए।
छींकने के समय मनु की ग्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षीण, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुन आदि 50 पुत्र उत्तरापद के और शेष 48 दक्षिणापद के शासक हुए। इक्ष्वाकु के अष्टकाश्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा यह कहे उनकी आज्ञा को सिरोधार किया और धनुष बाण लेकर वन में आ अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मादा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक सशक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक सशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर सभी से विकुक्षी का नामक ससाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस ससाद की पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नाम पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोक के नाथ सत्क्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं, तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कुकुद कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम कुकुत्स पड़ा। कुकुत्स के अनेना नाम पुत्र हुआ। अनेना के प्रथु के विष्टराश्व उनके चांद्र युवनाश्व तथा उस चांद्र युवनाश के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वती पुरी बसाई थी। शाश्वत के वृदस्व तथा वृदस्व के कुबलयास्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के उपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था, अतः उसका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। दृढ़ाश्व से हरश्व, हरश्व से निकुम्भ, निकुम्भ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासा कुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरमित महात्माशाली
कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः यौवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई को फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, अतः इसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली के पास की उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी उंगली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तदीपा पृथ्वी का राज भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सभी क्षेत्र युवनाशु के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने सतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुजकंद नामक तीन पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बृहस्पतिस्व सौरवी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत ही संतान वाला और अति दीर्घकाल मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे इधर इधर पक्ष पक्ष और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्ष युक्त होकर उन मुनीश्वरों के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौरवी ऋषि ने एकाग्रता पूर्वक समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज के अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए भी उस जल के भीतर से निकल आई और संतानार्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आई। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदान आदि से उनका भली प्रकार भोजन किया। तदंतर सौरवी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा, सौरवी जी बोले, ही राजन, मैं कन्या परिग्रहण का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्राण भंग मत करो। कुकुत्स वंश में कार्यवश आया हुआ मेरा भी प्राण थी, पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानदाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनकी भी कन्या उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्या ही, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आकांक्षा से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के वैसे अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौरवी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकें तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौरवी के हिसाब से भयभीत हो राजा मानदाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सतकुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती हैं वह उसी को दी जाती हैं। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है, ना जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूँ।
बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानदाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौरवी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानदाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसकों को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दूँ। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के साप की आकांक्षा से मानदाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौरवी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व रूप गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषि वर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानदाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं, और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वर्णन करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली में ही वरण करूंगी, ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो, मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है ही भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मेरी मरी जाती हो। इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है, ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में से उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुराग वश उन अनंत कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौरवी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रेरणा विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कांडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उपदान मन मसनद सैया और परिच्छद ओढ़ने के लिए वस्त्र हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि सौरवी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष भोज और ले आदि सामग्रियों से भी राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एदन पुत्रियों के स्नेह में आकर्षित होकर राजा मानदाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी, महर्षि सौरवी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूक मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोली, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक तो हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, महर्षि सौरवी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं, क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है। पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है,
वे उपवन आदि भी अतिशय मनोहर हैं। खिले हुए कमलों से युक्त उन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज आदि खाद्य पदार्थ उपटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल सय्यासन आदि सभी मन के अनुकूल ही। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सब संपत्ति संपन्न है तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरे अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी भली प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या के जाकर इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश चित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौरवी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अविमत भोग भुक्त रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। काल क्रम से उन राजकन्याओं में से सौरवी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगी, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे, उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा, फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पत्रों से युक्त देखूंगा। इस प्रकार काल क्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की अपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मुँह का कैसा विस्तार है, इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुईं। यह सब तो मैं देख चुका हूँ, किंतु अब मेरा चित उन पौत्रों के पुत्र जनों को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भले प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत होना तो नहीं है और जिस चित में मनोरथ की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में नहीं लग सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक सभी का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उनसे 50 गुना कर दिया है तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूण अति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है।
परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूँ। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अगुण से अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूँगा। उन संपूर्ण तेजों में सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान मेरा दोष सहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदिमत्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौरवी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिच्छंद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहाँ वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्म परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्र आदियों से अति तथा अनंत है। इस प्रकार मानदाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौरवी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता धारण करता कराता लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखवाता अथवा उपदेश करता है, उसके छह जन्मों तक दुसंतति असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महाप्राण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु प्राण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।